नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी व सीएसके के बीच में जो आईपीएल का 24वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है और उस पिच पे होने वाला क्या है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्या मेरी टीम्स रहने वाली है, सब कुछ आपको भाइयों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में इस वीडियो में आपके लिए दो गिवअवेज भी रखे हैं मैंने। पहला गिवअवे टॉप कमेंट्स का, तो टॉप कमेंट्स कैसे करोगे, जिस टाइम पे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उस टाइम पे आपको कमेंट करना है। अगर आपकी टॉप कमेंट्स में कमेंट आती है, ज़्यादा नहीं, पांच बंदों, पांच टॉप कमेंट्स विनर्स को मिलेगा गिवअवे। कितना? 1-1 हज़ार रुपये। और क्या, अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी आपके लिए घबराने की बात नहीं है, एक गिव अवे और है। कल से आप अलार्म लगा लेना 7 बजे का, कि सुबह 7 बजे वीडियो आती है भाई की, टॉप कमेंट करना है, 1 हज़ार रुपये जीतना है, ठीक है। और कौन सा गिव अवे इस वीडियो में? इस वीडियो में एक गिव अवे ऐसा है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एक प्लेयर के ऊपर, अगर आप जवाब सही देते हो, पूरी वीडियो देख कर देते हो, वीडियो को लाइक करके देते हो, तो अगर आपका जवाब सही निकल जाता है तो इस वीडियो में 3 मेंबर्स को 33,333, 33,333, 33,333, तो टोटल 99,999 रुपये का एक गिव अवे और है आपके लिए। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जब बस आपको जवाब देना है, ठीक है भाइयों। तो ये दो गिव अवे की बात हो गई। एक और गिव अवे है, वो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ओपन करके बताऊंगा। उसके लिए उसको विन करना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उस गिव अवे को मैं डायरेक्ट आपको ओपन करके बताऊंगा। अभी सीधे बात कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं भाई, बीपीएल के बैक टू बैक दो मैचों में, एक मैच में 225 में से 225 और दूसरे मैच में 163 में से 163 स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट अल्ट्रा क्लीनशीट किए आपके भाई ने विंसी प्रीमियर लीग में। लास्ट दोनों मैच के रिजल्ट टेलीग्राम पे डाले हैं, आके देखो, बोलोगे भाई क्या खतरनाक टीम थी। क्लीन स्वीप अप टू मिनी ग्रैंड लीग्स, ग्रैंड लीग में थर्ड रैंक आई है। आप आओ टेलीग्राम पे, लास्ट दो मैचों के रिजल्ट देखो। और आईपीएल में, आईपीएल में क्या करा आपके भाई ने? तो भाइयों, फैंटेसी जर्नी की अभी तक के, मतलब मैंने जितने मैच खेले हैं 5-6 साल से खेल रहा हूँ, सीएसके वास राजस्थान का मैच हुआ था अभी हाल ही में चेन्नई में, उस मैच में आपके भाई ने 1,19,00,000 रुपये छापे थे। तो उसका रिजल्ट भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी कई सारे मैच मेरे बहुत अच्छे गए आईपीएल के, आप आना टेलीग्राम पे रिजल्ट देखने। और बाकी भाइयों, सीएसके वास राजस्थान का मैच जब से हुआ है उसके बाद से मेरे मैच अभी थोड़े फीके चल रहे हैं और मैंने इन्वेस्ट भी नहीं करा है, मुझे कोई लगा ही नहीं इन्वेस्ट करने लायक। लेकिन हाँ, आज फिर सीएसके का मैच है, आज मैं करने वाला हूँ तगड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ भाइयों, टॉस के बाद ही, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि आज मैं करूँगा, तो उसके बाद देखूंगा दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, टीम अगर अच्छी बनेगी तो आज मैं कर दूंगा फिर से तगड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लास्ट मैचों का और आज के मैच का। अब बात करते हैं सीधे आज के मैच में होने वाला क्या है, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या मेरी टीम्स रहेगी, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस मैच में भाइयों, मतलब लो सिलेक्शन वाले प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन से प्लेयर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सीधे बात कर लेते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बल्लेबाजों को बड़ी ही ज़बरदस्त हेल्प मिलती है और यहाँ पे भाइयों चेस करना बड़ा ही ईजी होता है, खासकर नाइट के मैचों में, डे के मैचों में नहीं। और ये मुकाबला नाइट में खेला जाएगा, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग चूज करेगी, और यहाँ पे पहले बॉलिंग करते हुए टीमें अक्सर मैच जीत जाया करती है। आईपीएल में भी दो मैचों में ये चीज़ हो चुकी है, तो ध्यान रखना है आपको, जो टीम चेस करेगी वो टीम फेवरेट रहेगी। मेरी मानोगे तो जो टीम चेस करे उसके फेवर में आप अपनी टीम बना लेना, ठीक है। अब हेल्प किसको मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। बल्लेबाजों को हेल्प मिलने वाली है भाइयों, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने दुनिया भर के पूरे बल्लेबाज भर लिए, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन कौन से बल्लेबाज लेना है, ठीक है। तो बल्लेबाजों को सूट करेगा ये विकेट। और बात कर ली जाए स्पिनर वास फास्ट बॉलर, तो भाइयों
फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है नाइट के मैचों में, बाकी दिन में जो मैच होता है उसमें स्पिनर्स हावी रहते हैं। लेकिन इस मैच में 3 से 4 स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो स्पिनर्स कौन से हैं, उन्हीं में मेरे 2 सीवीसी भी रहने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपनी टीम बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको 2 ग्रैंड लीग की टीम बना के बताऊंगा, 1 स्मॉल लीग की टीम बना के बताऊंगा, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट आपको मैंने समझा दी, बल्लेबाज, फास्ट गेंदबाज, ड्यू फैक्टर, रन चेस होता है, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है टीम बनाते टाइम पे, और जो मैं आपको 3 से 4 स्पिनर बताऊंगा उन पे ध्यान रखना है, और कौन से फास्ट गेंदबाज बताऊंगा उन पे ध्यान रखना है, और कौन से बल्लेबाज बताऊंगा उन्हीं पे ध्यान रखना है, ठीक है भाइयों। तो पिच रिपोर्ट आपको समझ में आ गई, बाकी अब सीधे बात कर लेते हैं आज की मैच की टीम्स के ऊपर, क्या मेरी टीम्स रहने वाली स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग्स की। तो चलते हैं सीधे ड्रीम इलेवन पे। उससे पहले हाँ, एक आपको स्पेशल गिव अवे तो मैं आपको ओपन करके ही बता देता हूँ क्या है स्पेशल गिव अवे। 1,00,000 रुपए का गिव अवे है, आपको ओपन करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में आज के मैच की टीम्स आपको मैं बना के बता दूंगा। तो भाइयों ये है वो विजन 11 पे, आज 1,00,000 रुपए का गिव अवे आया हुआ है सीएसके पास आरसीबी के मैच में। अगर आपके पास में विजन 11 नहीं है तो भाई सबसे पहले विजन 11 डाउनलोड कर लो, और मेरी लिंक से आप डाउनलोड करते हो तो आपको 500 रुपए का बोनस भी मिलने वाला है। मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे मिल जाएगी। तो विजन 11 पे ऐसे गिव अवे भाई पर डे आते रहते हैं, हर मैच में विजन 11 गिव अवे देता है हर मैच में। तो फ्री के गिव अवे आपको अपने नाम करना है तो सबसे पहले विजन 11 को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो ये हो गई गिव अवे की बात विजन 11 की, और क्या है विजन 11 पे वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों ये है विजन 11 पे 50,00,000 रुपए की मेगा जीएल आई हुई है, और यहाँ पे भाइयों आप मेगा जीएल खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे नोनो प्लेयर लेके बंदे जीएल जीत रहे हैं, बस सीवीसी परफेक्ट बना लेते हैं, 2 प्लेयर फ्लॉप भी हो जाते हैं फिर भी जीत जाते हैं, क्योंकि कमी स्पोर्ट्स के कॉन्टेस्ट में हाई फाई प्राइस रहता है, कॉम्पिटिशन कम रहता है, जीतना बड़ा आसान है जीएल यहाँ पे। तो ग्रैंड लीग अगर आपको आसानी से जीतना है तो खेलना कहाँ है, विजन 11 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको जीएल का बता दिया, और अभी हाल ही में जो सीएसके पास राजस्थान के मैच में 1,19,00,000 रुपए जीता था, विजन 11 पे ही जीता था। क्यों जीता था, क्यों इतना इन्वेस्ट किया था, चलो बताता हूँ आपको। ये रीज़न है कि मैंने सिर्फ विजन 11 पे उस मैच को सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आप कॉन्टेस्ट लगा रहे हो दूसरी साइड पे 3,850 का, वो यहाँ मिल रहा है आपको 2,499 रुपये का। जो कॉन्टेस्ट आप लगा रहे हो 4 मेंबर का 2,999 का, वो यहाँ पे मिल रहा है आपको 2,625 का। तो भाई वो पैसा बचता है, इसलिए मैं इन्वेस्ट यहीं पर करता हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 500 कॉन्टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पर आप मन मर्जी जितने कॉन्टेस्ट लगाना चाहो उतने कॉन्टेस्ट आप लगा सकते हो, वन टच में ही 2-2, 3-3 सौ कॉन्टेस्ट आप एक साथ ही लगा सकते हो, ठीक है। तो टाइम भी बचता है, इन्वेस्ट करने के लिए बढ़िया ऐप है, टाइम बचता है, कॉम्पिटिशन कम है, एंट्री फीस कम है, डेली पर डे के फ्री गिव अवे से, तो और क्या चाहिए, जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और एक अंदर की बात आपको मैं जब टीम बनाऊंगा तब बताऊंगा विजन 11 की, ठीक है। तो अभी तो इतनी बातें हो गई विजन 11 की, अब सीधे बात करते हैं आज के मैच की, आज के मैच की क्या मेरी टीम्स रहने वाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं आपको 3 टीम्स बना के बता देता हूँ, 2 ग्रैंड लीग की, 1 स्मॉल लीग की। तो ओपन कर लेता हूँ भाइयों मैं ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन ओपन हो गया भाइयों। सबसे पहले बात कर ली जाए विकेट कीपर सेक्शन में, कुनवे है, धोनी है और कार्तिक है और अनुज रावत भी है। बात कर ली जाए कि मैं किसको लेने वाला हूँ, तो भाइयों मैं ज़्यादा नहीं उलझने वाला हूँ, मैं कुनवे के साथ जाने वाला हूँ स्मॉल लीग में। बाकी हाँ ग्रैंड लीग में धोनी पे जरूर रिस्क लूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कुनवे को ही उठा रहा हूँ, बाकी बात कर ली जाए तो भाइयों धोनी अपनी टीम से विकेट कीपरिंग करेगा, दिनेश कार्तिक अपनी टीम से विकेट कीपरिंग करेगा, बाकी अनुज रावत और डेवन कुनवे दोनों विकेट कीपरिंग नहीं करेंगे, पर कुनवे ओपनिंग करेगा और अनुज रावत मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा, सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ से मैं डेवन कुनवे को ले रहा हूँ, अभी मैं आपको स्मॉल लीग की टीम बना के बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, डू प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और यहाँ से माहीपाल लोमरोर, ये सब बल्लेबाज खेलने वाले हैं।
बात कर ली जाए आपकी कौन कौन बल्लेबाज क्या क्या करने वाला है। तो भाइयों, विराट कोहली शहंशाह है चिन्ना स्वामी की पिच का, फेवरेट ग्राउंड है भाई का, ठीक है। जब भी खेलता है यहाँ पे 50+ स्कोर करता है। लास्ट दो मैच देख लो, मुंबई के खिलाफ 50+, और जो लास्ट मैच हुआ था दिल्ली के खिलाफ उसमें भी 50+। बॉल फुटबॉल दिखती है और यहाँ पे बंदा रन बनाता है। ध्यान रखना कि चिन्ना स्वामी मतलब विराट कोहली की पिच है, ठीक है। तो विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, आंख बंद करके पूरी 20 टीम में ले सकते हो, ठीक है। तो मैं विराट कोहली को स्मॉल लीग में तो बिल्कुल ही लूंगा, बाकी यहाँ ग्रैंड लीग में भी जरूर लूंगा, क्योंकि तो शहनशाह है यहाँ का। यहाँ पे तो बिल्कुल विराट कोहली से पंगा नहीं ले सकते, विराट कोहली के साथ मैं जाने वाला हूँ। बात कर ली जाए डुप्लेसी की, तो भाई डुप्लेसी भी यहाँ का राजा है, यहाँ पे हमेशा रन बनाता है। और लास्ट 3 मैच हुए जिनमें से 2 मैच में डुप्लेसी ने भी खतरनाक इनिंग खेली है, विराट कोहली भी से भी पीछे नहीं है। और जब ये मैच किसके साथ में हुआ था, लखनऊ के साथ में, 115 मीटर का छक्का सूट दिया था इसी ग्राउंड पे नाइट के ही मैच में। तो डुप्लेसी को हल्के में ना लेना, बिल्कुल टीम में लेना। डुप्लेसी को भी मैं स्मॉल लीग में लेने वाला हूँ। बात कर ली जाए ऋतुराज गायकवाड़ की, तो भाइयों ऋतुराज का नाम रख दो कंसिस्टेंट गायकवाड़। हर मैच में ही बंदा चलता है, हमेशा रन बनाता है, और आईपीएल का बेस्ट प्लेयर। आईपीएल या उससे पहले डोमेस्टिक भी जो जब खेलता था ना भाई, तब से मैं जानता हूँ, हमेशा चलता है, हमेशा सीवीसी बन जाता है। तो गायकवाड़ को भी मैं लेने वाला हूँ। और एक बात और बताऊंगा आपको अंदर की गायकवाड़ को लेने की। गायकवाड़ को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सामने वाली जो आरसीबी की टीम है उनमें कोई खास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, तो राइट हैंडर बल्लेबाज है। अगर शुरू में पावर प्ले खेल लिया तो लंबा खेलेगा क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है फिर। लेकिन हाँ, हसरंगा है, हसरंगा राइटियों को बकचता नहीं है, आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ से गेकवाड़, डुप्लेसी और विराट कोहली, भाइयों इनको आप 20 टीम में ले लो, मत छोड़ो, तीनों को 20 टीम में पकड़ के रखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं तीनों बल्लेबाज को लूँगा। बात कर ली जाए अंबाती राइडू की, ड्रॉप कर सकते हो, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। बात कर ली जाए अजिंक्य रहाणे की, तो भाइयों अजिंक्य रहाणे का खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। लास्ट दोनों ही मैचों में गदर इनिंग खेली है, जबरदस्त इनिंग खेली है। अजिंक्य रहाणे को भी आप चाहो तो इसी टीम में पिक कर सकते हो। और क्या है, ये बल्लेबाजों की विकेट है, यहाँ पे बल्लेबाज भाइयों बकचते नहीं है, रन बनाते हैं, गेंदबाजों की कुटाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अजिंक्य रहाणे पे भी, बिल्कुल आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, पर मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा स्मॉल लीग में। लेकिन हाँ, ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में जरूर लूंगा। अजिंक्य रहाणे को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। बात कर ली जाए शिवम दुबे, तो भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है ना शिवम दुबे इस मैच में लंबा खेलेगा। पर क्या है कि सामने वाली टीम जो है आरसीबी की, उनमें ऑफ स्पिनर गेंदबाज मैक्सवेल है, तो थोड़ा सा डर के मारे मैं नहीं ले रहा हूँ। बाकी हाँ, ग्रैंड लीग में आप शिवम दुबे को आज जरूर ट्राई करना, लंबी इनिंग खेल के दे सकता है, लंबा प्लेयर है, युवराज सिंह की परछाई शिवम दुबे, बहुत ही जबरदस्त, मतलब छक्के मारता है, 100+ मीटर के छक्के मारता है। मुझे तो युवराज याद आ जाता है जब भी शॉट मारता है। लेकिन हाँ, मैं ग्रैंड लीग की टीमों में लूंगा, अभी मैं आपको लेके बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं ले रहा हूँ स्मॉल लीग में। बात कर ली जाए माहीपाल लोमरोर की, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, अच्छा बल्लेबाज है, ट्राई कर सकते हो, खासकर ग्रैंड लीग की टीमों में। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की रह सकता है क्योंकि कोई लाएगा नहीं, सिर्फ आप लोग है, फ्लोप हो गया तो आपकी टीम भी फ्लोप हो सकती है। लेकिन आप ट्राई भी कर सकते हो, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो ही तो ग्रैंड लीग विन है। तो देख लेना लोमरोर को भी आप, ठीक है। बाकी भाई स्मॉल लीग में भी जो टॉप के 3 है बल्लेबाज हैं, उन्हीं के साथ में जाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, ऑलराउंडर्स में है प्लेयर्स तो, और बड़ा ही खतरनाक मैचअप भी है, बताता हूँ मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ। रविंद्र जडेजा कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस मैच में कोई है तो वो है रविंद्र जडेजा। क्यों है, विराट कोहली, डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल हमेशा आउट करता है इनको, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमेशा आउट करता है। मैक्सवेल को तो बस मैक्सवेल दिखा, मैक्सवेल दिखा नहीं कि उसको आउट कर देते, तो ध्यान रखना बहुत बार आउट कर चुका है। लास्ट आईपीएल में भी विराट कोहली, डुप्लेसी, उससे पहले डिविलियर्स जब खेलता था आरसीबी में, तो उसको भी, मतलब आरसीबी के खिलाफ रविंद्र जडेजा हमेशा विकेट लेता है। तो ध्यान रखना रविंद्र जडेजा विकेट जरूर लेगा, और बैटिंग आ जाएगी तो आपको छक्के चौके भी आराम से मार के देगा, ठीक
ठीक है, तो रविंद्र जडेजा को मैं बोल रहा हूँ आप पूरी 20 टीम में लेना इस मैच में। उसका रीज़न भी है, विराट कोहली, डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक और इनके अलावा भी कुछ राइट हैंडर्स, वनिंडू हसरंगा, तो इतने सारे राइट हैंडर्स हैं, प्लस हर्षल पटेल भी आजकल आ जाता है ऊपर, तो वो भी राइटी, इतने सारे राइटी हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ से चेन्नई से कौन है? रविंद्र जडेजा। एक और भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है मिचल सेटनर, उसको भी आप इस मैच में ट्राई कर सकते हो रिस्क लेके, ठीक है, क्योंकि सामने वाली आरसीबी की टीम में राइटी ज़्यादा है। तो रविंद्र जडेजा को तो आपको लेना ही है, हमेशा आरसीबी के खिलाफ विकेट चटकाता है, तो मैं लेने वाला हूँ भाइयों। अब बात कर ली जाए मैक्सवेल की, तो भाइयों मैक्सवेल भी इस मैच में सीबीसी के लिए सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन साबित हो सकता है। उसका रीज़न कि ये इस मैच में पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, डेवन कोनवे, मिचल सेटनर, इतने सारे लेफ्टी हैं, मतलब मान के चलो चेन्नई में 11 प्लेयर हैं जिनमें से 6-7 लेफ्टी हैं, तो इतने सारे लेफ्टी रहेंगे तो मैक्सवेल है ओप स्पिनर गेंदबाज, लेफ्टियों को ही तो आउट करने का काम करता है। तो ध्यान रखना मैक्सवेल इस मैच में पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करेगा और आरसीबी का मान के चलो कि बेस्ट फिनिशर बल्लेबाज, तो मैक्सवेल को भी लेना बनता है, पूरी 20 टीम में लेना बनता है क्योंकि इस मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करने वाला है, तो मैक्सवेल को मैं लेने वाला हूँ। बात कर ली जाए मोइन अली की, तो भाई वो मोइन अली इस मैच में, मोइन अली भी इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? माहीपाल लोमरोर, शाहबाज अहमद, अनुज रावत, डेविड विली अगर खेलता है तो वो, या फिर विन पार्नेल, इनके नीचे जो है ना बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर तो राइट हैंडर्स का है लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है ना पूरा लेफ्टियों से भरा हुआ है, तो लेफ्टी अगर स्ट्राइक पे रहेंगे तो मोइन अली विकेट चटकाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो मोइन अली जब लेफ्टी अगर स्ट्राइक पे आ गए, अगर 2 लेफ्टी खेले, लास्ट टाइम आपको याद होगा ललित यादव ने अपने पूरे 4 ओवर डाल दिए थे क्योंकि विकेट गिर गए थे आरसीबी के, लेफ्टी स्ट्राइक पे थे इसलिए पूरे 4 ओवर डाल गया था। तो इस मैच में मोइन अली अपने पूरे 4 ओवर डाल सकता है अगर लेफ्टी स्ट्राइक पे रहेंगे थे। तो भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा मोइन अली पे, मैं अपनी टीम में लूंगा मोइन अली को। प्लस क्या है कि बल्लेबाजी भी तो बड़ी जबरदस्त करता है मोइन अली, बल्लेबाजी जबरदस्त करता है, हमेशा रन बनाता है, टॉप ऑर्डर में खेलता है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है भाई। प्लस बॉलिंग डालने के भी चांसेस है मिडिल ऑर्डर के लेफ्टियों को देख के, ठीक है। तो मोइन अली का सिलेक्शन भी तो कितना ज़्यादा है, 83 लेके चलो भाइयों, बिल्कुल लेके चलो। चलो बात कर ली जाए अब वनिंडू हसरंगा की, भाइयों ये मेरा एक फेवरेट गेंदबाज है, मतलब जब इसका सिलेक्शन, जब इसकी डीपी भी नहीं थी ड्रीम इलेवन पे उस टाइम से मैं इसको लेता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार 5 विकेट चटकाए थे, किसी के पास में नहीं था, उस मैच में मैं ग्रैंड लीग जीता था, ठीक है। उस मैच में मलिंगा ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी, उस मैच में आपका भाई जेल जीता था, तो तब से मैं हसरंगा को अभी तक हर मैच में लेता हूँ। मेरा ये एक मान के चलो कि ये मेरा फेवरेट बॉलर है, मैं इसको कभी भी लूंगा ही, अपनी टीम में छोड़ता नहीं हूँ मैं इसको, तो इस मैच में भी मैं लूंगा ही। वर्ल्ड का बेस्ट गेंदबाज बन चुका है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेग स्पिन बड़ी ही जबरदस्त डालता है, साथ में गुगली बॉल भी बहुत अच्छी डालता है, प्लस बल्लेबाजी भी कर लेता है, ऑलराउंडर प्लेयर है। तो हसरंगा भले कोई नहीं ले रहा पर मैं जरूर लूंगा, हसरंगा को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है भाइयों। बात कर ली जाए मिचल सेटनर की, तो वही मैंने आपको जडेजा वाली बात बताई है, सामने वाली टीम में डुप्लेसी, कोहली, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, ये सब राइटी भी हैं, तो उनके सामने जडेजा और मैक्सवेल, वो जडेजा और मिचल सेटनर आप उगल सकते हैं, गुच्छों में दोनों विकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मिचल सेटनर भी इम्पोर्टेंट रहेगा और हाई चांस है कि खेलेगा। बाकी भाइयों इस मैच में आप शाहबाज अहमद को आराम से ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि सीएसके में लेफ्टियों की भरमार है, और जो राइटी है कौन, ऋतुराज गायकवाड़, वो लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है, तो आप शाहबाज अहमद को छोड़ सकते हो। पर भाइयों अगर देखो ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, ये दोनों स्ट्राइक पे अगर रहते हैं, लंबा खेलते हैं, तो फिर शाहबाज अहमद भी बॉलिंग डालेगा यहाँ से क्योंकि ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है, तो ट्राई भी कर सकते हो पर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, ठीक। तो भाइयों यहाँ से मैं 4 ऑलराउंडर ले रहा हूँ, अब आ जाता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में, और किसी को नहीं ले रहा हूँ, अब आता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में हर्षल पटेल, ओहो 39% मेरा ट्रम्प प्लेयर,
हमेशा लेता हूँ, भले वो विकेट लेस चला जाए फिर भी मेरी टीम में रहता है। क्या है कि ऑलराउंडर प्लेयर है, रन भी बनाता है, और भाइयों इसके पास में है ना दिमाग है। स्लोअर गेंद डालता है, कभी यॉर्कर डाल देता है, स्लोअर यॉर्कर डालता है, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता है। और मुझे लगता है ना इस मैच में हर्षल पटेल मुझे एक तरफा क्लीन स्वीप करवा के देगा, 3-4 विकेट निकाल के देगा हर्षल पटेल, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं हर्षल पटेल को लेने वाला हूँ, फीलिंग आ रही है अंदर से, और मैं तो हमेशा ही हर्षल पटेल को लेता हूँ, चाहे कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, हर्षल पटेल को मेरी टीम में हमेशा रहना ही रहना है। तो हर्षल पटेल को मैं लेने वाला हूँ। सिराज को मैं हमेशा छोड़ता हूँ, इस मैच में भी छोड़ने का रिस्क लूंगा, आप चाहो तो भाई ले लेना, मैं छोड़ता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए छोड़ता हूँ, मैं इसको मैंने आजमाया है, मैंने इसको बहुत बार लेके देखा है, फ्लॉप हो जाता है, मैं लेता हूँ फ्लॉप हो जाता है, पता नहीं क्या है मुझसे कोई दुश्मनी है। तो देख लेना आप, सिराज को आप ले सकते हो, मैं ड्रॉप करूँगा, ठीक है भाई। और एक रीज़न और है छोड़ने का, क्या है कि पावर प्ले में 3 ओवर डाल देता है, और अब वहाँ से कौनवे और गेकवाड़ खेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि विकेट जाए, तो 3 ओवर शुरू में ही चले जाएंगे। तो भाई आप चाहो तो ले सकते हो, मैं ड्रॉप करूँगा, ठीक है। गेंदबाज बहुत अच्छा है, फॉर्म में भी है, बिल्कुल ले सकते हो, पर मैं ड्रॉप करूँगा। दीक्षाना को भी इस मैच में नहीं लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि सामने वाली टीम में राइट ही ज़्यादा है, आएंगे लेफ्टी पर नीचे आएंगे, ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप करूँगा। बात कर ली जाए पार्नेल, भाई ऑलराउंडर प्लेयर है, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, रन भी बनाता है, विकेट भी चटकाता है, पार्नेल को मैं लेने वाला हूँ भाइयों, ठीक है। तो मेरे पास में हो गए हैं 10 प्लेयर, बचा है सिर्फ एक प्लेयर, तो एक प्लेयर मैं आपको बता दूं यहाँ से, विजय कुमार को आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप करूंगा। ए सिंह को आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप करूंगा। मैं किसको लूंगा भाइयों, अभी धोनी का है ना फेवरेट गेंदबाज बन चुका है एक, तुषार देश पांडे। धोनी उससे भले वो पिट रहा है, लेकिन उससे पूरी बॉलिंग करवा रहा है। धोनी जिस गेंदबाज को पकड़ ले, समझो कि उस गेंदबाज को आपको टीम में लेना है। तो तुषार देश पांडे अभी धोनी का फेवरेट गेंदबाज बन चुका है, टीम में ले लो भाई, क्योंकि इससे धोनी आखिरी में भी बॉलिंग करवाएगा, और जहाँ पे विकेट गिरवाने होंगे वहाँ पे भी धोनी तुषार देश पांडे को ही लगाएगा। तो तुषार देश पांडे को मैं लेने वाला हूँ। तो भाइयों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। अब बात कर ली जाए इसमें सीवीसी की, उससे पहले आपको बता दूं कि इसके बाद में मैं आपको 2 ग्रैंड लीग की टीम भी बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद में आपसे मैं गिव अवे क्वेश्चन पूछूंगा। अब इसमें बात कर ली जाए सीवीसी की, तो भाइयों मैं रिस्क लूंगा इस मैच में, ठीक है। मैं बता दूं आपको मैं सीवीसी किन दोनों को करने वाला हूं, तो भाइयों मैं करने वाला हूं मैचअप देख के जडेजा को कैप्टन, वाइस कैप्टन मैक्सवेल को, क्योंकि देखो सामने वाली टीम में राइट ही ज्यादा है और सामने वाली टीम में लेफ्ट ही ज्यादा है, तो एक ऑफ स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे सीवीसी प्लस ये दोनों बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, लंबे लंबे छक्के दोनों ही मारते हैं। आप अगर रिस्क लेते हो ना थोड़ा और ज्यादा, तो हसरंगा को भी आप सीवीसी कर सकते हो इस मैच में, हसरंगा भी बड़ा जबरदस्त गेंदबाज है। और थोड़ा और रिस्क लेते हो तो मोइन अली को भी कर सकते हो, सेफ खेलते हो तो विराट कोहली को बना लो, ठीक है। पर मैं रिस्क लेता हूँ भाई, मुझे बॉलिंग से भी पॉइंट चाहिए, बैटिंग से भी पॉइंट चाहिए। पता चल रहा विराट कोहली ने 50 रन बनाए, जडेजा 2 विकेट ले गया, 50 पॉइंट 50 रन के बराबर 2 ही विकेट में पॉइंट हो गए, प्लस रन भी आगे बना दिए। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ इस मैच में। और क्या है, विराट कोहली को कई बार आउट कर चुका है रविंद्र जडेजा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सीवीसी हैं ये। अब बात कर ली जाए 2 ग्रैंड लीग टीम्स की, तो भाई एक टीम में आपको बना के बताता हूँ सीएसके के फेवर में, एक टीम में आपको बना के बताता हूँ आरसीबी के फेवर में। वैसे भी ये भी थोड़ी सी आरसीबी के फेवर में ही है ज़्यादा, पर मैंने कैप्टन जडेजा को कराया तो समझो चेन्नई के फेवर में भी है ये, ठीक है। अब मैं आपको पहले आरसीबी के फेवर में ग्रैंड लीग टीम बना के बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सीएसके के फेवर में ग्रैंड लीग टीम बना के बताता हूँ। तो भाइयों आरसीबी को अगर आप जिता रहे हो, तो सबसे पहले 2 ओपनर जो सबसे जबरदस्त फॉर्म में है और इस पिच के राजा है, शहंशाह है, तो डुप्लेसी और विराट कोहली, इन दोनों को ले लिया। अब क्या करो आप, देखो ये दोनों टिके रहेंगे तो फिर अगला कौन आएगा, मैक्सवेल आएगा, मैक्सवेल को पटक लिया। अब क्या है आपके पास में 3 बल्लेबाज हो गए, मत उलझो चौथे बल्लेबाज में, यही 3 बल्लेबाज आपको 50-50 मार के दे देंगे, और पूरा यही तीनों खेल अच्छे खासे पॉइंट यही दिलाएंगे, ठीक है। तो आपने 3 बल्लेबाज रख लिए ये, और जबरदस्त है तीनों, ठीक है।
अब क्या करो आप, आरसीबी के बॉलर ले लो। तो सबसे खतरनाक गेंदबाज देखो यहाँ से मैक्सवेल भी है और हसरंगा को भी पटक लो। और हाँ भाइयों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, माइकल ब्रेसवेल इस मैच में खेल सकता है क्योंकि चेन्नई में लेफ्टी ज़्यादा है। खेलेगा तो मैं मैक्सवेल को हटा के भी ले सकता हूँ, पर लूंगा जरूर, ठीक है? ध्यान रखना, माइकल ब्रेसवेल खेलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाइयों यहाँ से दो ऑलराउंडर लूंगा मैं। अब आरसीबी को जिता रहे हो तो आरसीबी के बॉलर भी ले लो, क्योंकि चेन्नई को ढेर करेंगे ना बॉलर, तो आरसीबी के बॉलर ले लो। हर्षल पटेल को ले लो, विन पार्नेल को ले लो, मोहम्मद सिराज और विजय कुमार, दोनों में से किसी एक को लेने का डिसीजन आपका रहेगा। मैं रिस्क लूंगा, मैं विजय कुमार के साथ जाऊंगा। तो ये 7 प्लेयर मैंने ले लिया। अब इसमें क्या है, मेरे पास में पूरे 20 ओवर हो गए, प्लस मेरे पास में शुरू के 3 बल्लेबाज हो गए, तो मेरे पास में बैटिंग भी हो गई, बॉलिंग भी हो गई। आरसीबी जीत रहा है तो रन भी मेरे पास बनाने वाले बल्लेबाज है और मेरे पास में विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। तो यहाँ से मेरे पास में आरसीबी का सब कुछ आ गया। अब मैं चेन्नई के प्लेयर ले लेता हूँ। चेन्नई से कौन कौन ले रहा हूँ, कोनवे को हटा दिया, धोनी को ले लिया, ग्रैंड लीग है, रिस्क लो, विकेट कीपिंग भी तो करेगा धोनी। वो धोनी ऐसा है ना कि आप ग्रैंड लीग जितवा देता है, ठीक है? तो धोनी पटक लिया, लास्ट मैच में ड्रीम टीम में आया था धोनी, देखो कितने पॉइंट लिए थे, 59। तो ऐसा कुछ अगर फिर से कर दे तो सिलेक्शन 28% है, आप ही जीतोगे सिर्फ जीएल, ठीक है? तो धोनी पटक लिया। अब आ गए बैटिंग में, बैटिंग में गेकवाड़ को ना लेके दुबे के साथ चले गए। सबने लिया गेकवाड़ रहाणे, आपने लिया दुबे, दोनों फ्लॉप, दुबे चल पड़ा, तो आपकी टीम प्लेन की स्पीड से भागेगी। अब आ गए ऑलराउंडर्स में, तो जडेजा को तो रखना ही है, क्या है कि मैचअप है, अगर विकेट गिरेंगे तो आरसीबी के एक भी अगर विकेट गिरता है और एक विकेट भी अगर जडेजा को ही मिला तो आपका तो काम हो गया ना भाई। तो जडेजा पटक लिया। अब एक प्लेयर और बचा है, एक प्लेयर आप चाहो तो आरसीबी का ही बढ़ा लो, चाहो तो सिराज को ले लो, पर मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक ऑलराउंडर और मोइन अली। तो भाइयों ये मेरी टीम है आरसीबी के फेवर में ग्रैंड लीग की। अब इसमें आप सीबीसी किसको कर सकते हो, आरसीबी के प्लेयर को सीबीसी बना लो, दोनों ओपनर को बना लो चाहो तो, विराट कोहली डुप्लेसी, दोनों अच्छे खेलते हैं इस पिच पे, और आरसीबी जीतेगी तो भाई दोनों ही तो रन बनाएंगे अच्छे खासे। या फिर आप सेफ खेलते हो तो मैक्सवेल को कैप्टन कर लो, वाइस कैप्टन हर्षल पटेल को कर लो, गुच्छों में विकेट निकाल के दे सकता है इस मैच में आपको हर्षल पटेल, ठीक है? चाहो तो हसरंगा को सीबीसी बना लो, हसरंगा भी बहुत ही जबरदस्त प्लेयर। चाहो तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि जडेजा को सी या बीसी रख के आरसीबी के प्लेयर को सीबीसी कर लो सारे, ठीक है? तो उसमें क्या रहेगा कि जडेजा आपको मिल ही गया 100 पॉइंट वाला, अब बस आपको बीसी ढूंढना है या सी ढूंढना है, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे तो लग ही रहा है कि जडेजा 100+ पॉइंट ले रहा है, तो मैं जडेजा को बीसी कर रहा हूँ और कैप्टन पे मैक्सवेल को ही कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैक्सवेल भी 100+ पॉइंट ले ही रहा है इस मैच में। तो ये हो गई मेरी आरसीबी के फेवर में एक ग्रैंड लीग की टीम। अब मैं आपको मुंबई सॉरी चेन्नई के फेवर में ग्रैंड लीग टीम बना के बता देता हूँ, उसके बाद में आपको एक विजन 11 की स्मॉल लीग टीम बना के बताऊंगा और गिव अवे क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं आपको चेन्नई के फेवर में ग्रैंड लीग टीम बना के बता देता हूँ भाइयों। तो चेन्नई को अगर जिताओगे तो सबसे पहले आप कोनवे को ले लो और गेकवाड़ को ले लो, दो ओपनर आ गए आपके पास में, अच्छे खासे बल्लेबाज है, दोनों रन भी बनाते हैं, हमेशा रन बनाते हैं, दोनों को पकड़ लिया। अब आ गए आप ऑलराउंडर में, जडेजा को ले लो, मोइन अली को ले लो, ये दोनों आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। चेन्नई जीतेगी तो आपको अच्छा खासा काम, दोनों ही सीबीसी बन के भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो दोनों को ले लिया। अब क्या करो, बॉलिंग में, बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ। चेन्नई जीतेगी तो चेन्नई के बॉलर विकेट लेंगे, चेन्नई के बॉलर ले लो, कौन कौन से, तुषार देशपांडे को रख लो, ए सिंह को रख लो, चेन्नई जीतेगा तो ए सिंह भी कुछ ना कुछ कर लेगा और पिच पे फास्ट गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प है। और एक वैसे तो मेरा तिक्षाना को लेने का बिल्कुल मूड नहीं है, फिर भी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो CSK जीतेगी तो पता चल रहा है तिक्षाना ही हाथ साफ कर रहा है, शुरू में ही 2-3 विकेट ले जाए पावर प्ले में, जैसा सुनील नारायण ने विराट कोहली को आउट करा था वैसे ही पता चल रहा है ये भी अपनी ऑफ स्पिन गेंद में विराट कोहली को उड़ा दें। तो रख लिया दीक्षाना को, या फिर एक जो फास्ट गेंदबाज खेले, मुझे लग रहा है ना कि इस मैच में मिचेल सेटनर खेलेगा, सेटनर को रख रहा हूँ भाइयों में। कहाँ है सेटनर,
मिचल सेटनर। तो ये सात प्लेयर हो गए मेरे पास में, इसमें मेरे पास में पांच गेंदबाज भी हो गए और मेरे पास में इसमें पांच बल्लेबाज भी हो गए, क्योंकि तीन ऑलराउंडर है ना। ठीक है, तो मेरे पास में सब कुछ हो गया चेन्नई का, बॉलिंग भी आ गई, बैटिंग भी आ गई। अब मैं ले लेता हूँ आरसीबी के, जिनका मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे कुछ ना कुछ करके दे ही देंगे, तो ऐसे प्लेयर ले लेता हूँ। मैक्सवेल मुझे लगता है कि विकेट चटका ही देगा, मैक्सवेल ले लिया। हसरंगा मुझे लगता है कि विकेट चटका ही देगा, हसरंगा रख लिया। प्लस ये दोनों ऑलराउंडर है, रन भी तो बना सकते हैं। माइकल ब्रेसवेल खेलेगा तो मैं नहीं उलझ के सीधे एक और ऑलराउंडर बढ़ा लूंगा। अब आ जाता हूँ मैं बॉलिंग में, मुझे लगता है हर्षल पटेल एक ना एक विकेट निकाल लेगा और भी बैटिंग भी करता, ऑलराउंडर है। एक हर्षल पटेल रख लिया। अब मेरे पास होगा 10 प्लेयर, बचा है सिर्फ एक प्लेयर। तो भैया देखो, सब लोग ले रहे हैं कोहली, डुप्लेसी, लोमरोर को भी बहुत से लोग लेंगे, पर दिनेश कार्तिक को कोई नहीं लेगा। दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग भी करेगा, पता चल रहा है स्टम्पिंग से ही 30-35, स्टम्प के पीछे से ही 30-35 पॉइंट ले लिए दिनेश कार्तिक ने, और आके रन भी बना दिए। किसी के पास में नहीं था, 15% सिलेक्शन था, आपके पास था। तो दिनेश कार्तिक जीएल जीता सकता है। अब ये हो गई मेरी जीएल की टीम। अब इसमें सीबीसी किसको कर सकते हो, तो जडेजा को सी रखो, आपस में जो सीएसके के प्लेयर हैं उनको बीसी रखो, या फिर सेटनर को रख लो सी, सेटनर पता चल रहा है जडेजा से ज़्यादा पॉइंट ले लें, या फिर धोनी का फेवरेट गेंदबाज तुषार देशपांडे रख सकते हो सीबीसी, या फिर आप बल्लेबाजों को ज़्यादा अगर महत्व देते हो तो गेकवाड ओपनर बना सकते हो सीबीसी। ठीक है, पर मैं किसको बना रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। मैं फिर से भाई ये दोनों को बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना ये 100-100 पॉइंट ले लेंगे। तो ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग टीम टू। तो मैंने आपको एक स्मॉल लीग बना के बता दी, दो ग्रैंड लीग बना के बता दी। अब मैं आपको एक विजन 11 की स्मॉल लीग टीम बना के बताता हूँ और फिर मैं आपसे गिव अवे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं विजन 11 पे। विजन 11 पे आ गया हूँ भाइयों। तो विजन 11 पे किसको लूंगा, वही कोनवे को लूंगा। और भाइयों यहाँ पे है ना, आपको मिनिमम तीन बल्लेबाज तो रखना ही है, और इसी फीचर की वजह से ज़्यादा मैं विजन 11 पे खेलने लगा हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे एक नियम अनुसार टीम बनती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने भर लिए कितने भी प्लेयर एक ही टीम के 10 लिया है, अब उसमें क्या है कंपटीशन हार्ड हुई। कोई आपका ओपोनेंट ला रहा है 10 गेंदबाज, कोई ला रहा है 10 बल्लेबाज, कोई ला रहा है 8 ऑलराउंडर, तो यहाँ पे क्या है आप 3 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर और मिनिमम 3 गेंदबाज भी आपको रखना ही रखना है। तो मुझे ये नियम सही लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा स्मॉल लीग यहीं पर खेलता हूँ। तो डेवन कोनवे ले लिया, बैटिंग में आ गए कोहली, गेकवाड़, डुप्लेसी, मत उलझो, तीनों के साथ में स्मॉल लीग में चले जाओ। ऑलराउंडर्स में आ जाओ, जडेजा, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ से हसरंगा, ये 4 ऑलराउंडर रख लिए। अब आ गए बॉलिंग में, सिराज 90% है यहाँ पे, मैं छोड़ने वाला हूँ। हर्षल पटेल को, विन पार्नेल को और धोनी का फेवरेट गेंदबाज तुषार देशपांडे। तो भाइयों ये विजन 11 की टीम हो गई। अब इसमें सीबीसी वही है दोनों, जडेजा को सी, मैक्सवेल को वी सी। ठीक है, अब वापस चलते हैं ड्रीम 11 पे, वहीं से मैं आपको ओपन कर देता हूँ वापस स्मॉल लीग की टीम और आपसे पूछता हूँ गिव अवे का क्वेश्चन। एक फुट में पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं आपसे गिव अवे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो भैयो आईपीएल के अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं, 50+ मान के चलो। आपको हर आईपीएल की वीडियो में दो ग्रैंड लीग की टीम, एक स्मॉल लीग की टीम मिलेगी, साथ में हर वीडियो में आपको टॉप कमेंट्स का गिव अवे मिलेगा। टॉप 5 कमेंट्स में अगर आपकी कमेंट आती है तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, वो भी नहीं तो अगर आप गिव अवे क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो आपको मिलेगा 33,333 रुपये। तीन मेंबर्स को मिलता है 33,333, 33,333 और 33,333। तो भाई इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे होगा क्या, आप ही का फायदा है। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास आएगा नोटिफिकेशन, बस नोटिफिकेशन आया वैसे ही कमेंट कर दी, फ्री का 1,000 आपका। और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकल रहा है तो 33,333 आपका। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, हर आईपीएल की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। और भाइयों मेरा आईपीएल ज़बरदस्त गया है इस बार, और इस आईपीएल में ही मैंने अपनी फैंटेसी जर्नी की सबसे बड़ी विनिंग भी की है, और
इसीलिए मैं हर वीडियो में गिव अवे दे रहा हूँ। जब से मैंने जीता है ना वो अमाउंट, तब से मैंने दिल खोल के गिव अवे दे रहा हूँ। तो आपको पर डे गिव अवे मिलेंगे, पर डे मैच प्रिडिक्शन मिलेगा, और ऐसा प्रिडिक्शन आपको कोई नहीं देगा। एक एक प्लेयर को मैं बता के लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, सब आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेरी फाइनल टीम गिव अवे विनर्स का अनाउंसमेंट, और XYZ IPL के अलावा भी दूसरे मैचेस में खेलता हूँ उनकी भी टीम्स आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। लिंक वर्क नहीं करे तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है भाइयों? तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना याद से। अब बात कर ली जाए सीधे गिव अवे क्वेश्चन की। तो भाइयों आपको बताना है रविंद्र जडेजा इस मैच में कितने रन बनाने वाला है, कितने विकेट लेने वाला है और कितने कैच लेने वाला है। कल किस पे बताया था बंदों ने, सुनील नारायण पे बताया। कल मैंने सुनील नारायण पे पूछा था, सुनील नारायण ने बस 2 रन बनाए थे। भाई इतने सारे बंदे जीते गिव अवे, लेकिन वही जिसने सबसे पहले सही आंसर दिया था उन 3 मेंबर्स को मैंने उनका गिव अवे दे दिया। IPL की मतलब अभी तक मैंने 20 15 प्लस 15 और 20 के बीच में वीडियो दिए, और भाई हर मैच में बंदा गिव अवे जीता है। कभी कभी एक ही जीता, लेकिन ज़्यादातर तीन तीन मेंबर जीत जा रहे हैं। तो आप भी आंसर देना अपना, रविंद्र जडेजा रन कैच विकेट कितने कितने, ठीक है? अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको मिलेगा 33,333 रुपये। और अब कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वीडियो पूरी देखकर ही आंसर देना है। अगर आपने वीडियो फॉरवर्ड करके आंसर दिया है तो आपका गिव अवे कैंसिल है, ठीक है? ध्यान रखना, आपको आंसर देना है, साथ में वीडियो को लाइक करना है। पता चल रहा है आपका आंसर सही, लेकिन आपने वीडियो लाइक नहीं की तो आपका गिव अवे कैंसिल, ठीक है? अब आपको और क्या करना है, सिर्फ एक कमेंट करना है। मल्टीपल कमेंट्स वालों को गिव अवे नहीं देता हूँ। पर डे आते हैं ढेर, 500 500 कमेंट करते हैं, बोलते हैं मेरा आंसर सही, तो मैं चेक कर लेता हूँ भाइयों। hedgee.com पे सब चेक हो जाता है किसने कितनी कमेंट की है, ठीक है? तो एक ही कमेंट करना है, साथ में आपको अपनी कमेंट एडिट नहीं करना है, ठीक है भाइयों? तो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब आप अपना आंसर दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सुबह 7 बजे का पर डे अलार्म सेट करके रखो। सुबह 7 बजे आपको IPL की वीडियो मिलेगी, और जिस दिन 2 मैच रहेंगे उस दिन आपको सुबह 7 बजे और सुबह 11 बजे ऐसी इस टाइम पे वीडियो मिलेगी, ठीक है भाइयों? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।